गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सबका आज के इस व्लॉग में। मैं पता नहीं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ। आज लेग डे है और मैंने वो सीबम का थैवेज प्री वर्कआउट पी रखा है। अभी मुझे हंसी आ रही है, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं कोई भी गाना सुन रहा हूँ। बहुत ही ऑनेस्टली बहुत ही एपिक प्री वर्कआउट है ये। और मैं कह रहा हूँ, मैं बॉटल में भर के लाया हूँ, अभी मैंने पूरा ख़त्म भी नहीं किया अब तक। सुबह के कितने बजे हैं अभी, एक मिनट रुको दिखाता हूँ। 6:46 फाइनली हम सुबह टाइम पे उठने लगे हैं और बहुत शांति होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये अब तक आया नहीं। मैंडेटरी होता है, तुम लोग भी करते हो तो बताओ, अगर शेकर या बॉटल का बॉटल के ढक्कन का वो ना नीचे का पार्ट ऐसे लिख कर रहा हूँ। टू गुड, चीयर्स। I can lift you up, I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. श्लोक नौ चार श्लोक बैच अजय नीचे जाते लोग जिम में चार ऑलमोस्ट 3.5 hours है। ची 3.5 तो नहीं कहेंगे, 3.5 मे बी 6:45 आया था। 6:45 को यहाँ पे नीचे पार्क की गाड़ी और अभी 10 बज रहे हैं। 10 बजने में 3 मिनट है। इतनी ज़्यादा बकवास हो गई है जिम में, हमारी नहीं एक दूसरे क्लाइंट की। वो अरे यार यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा इशू है, जैसे तैसे रख देते हैं। और बहुत ही नैरो पार्किंग है। हाँ हाँ, लो चुका था भाई, आने कॉन्फिडेंस थे। चलो ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। उससे डेडलिफ्ट छूट गया 160 केजी, वो भी प्लेटफॉर्म है हमारे पास। अरे अरे वन मिनट्स, ओके प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जिम में, उससे छूट गया। प्लेटफॉर्म है, डेडलिफ्ट और
उन्होंने सिर्फ आके बोला कि आप ध्यान से रखो, तो उसने सामने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, जबकि गलती थी उसकी, थी उसकी। उसको सिर्फ सिंपली एक्सेप्ट कर लेता कि भाई मेरे से छूट गया, आई एम सॉरी, पर उसने वो नहीं किया। उसने बोला कि प्लेटफॉर्म बनाई इसके लिए कि अगर आप छोड़ दो इसको ऊपर, जबकि अगर डेडलिफ्ट आप अगर एक प्रोफेशनल मीट में भी देखने जाओगे तो योर लिफ्ट एंड्स व्हेन यू पुट द बार डाउन, नॉट व्हेन यू ड्रॉप द बार डाउन। वो गलती थी पर वो मानने को तैयार नहीं था, वो छोटा ही था उसके 17-18 थी मोस्टली एज फार एज आई नो। पर हमने उसको समझाने का भी ट्राई किया, उन लोग उस वो लड़के ने मुझे इसको थोड़ा इन्वॉल्व करने का ट्राई किया, तो मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मान रहा था। मुझे पता नहीं क्यों मैं किसी भी जिम में जाता हूँ, लास्ट जिम में भी था, मुझे मीडिएटर बना देते हैं सारे इशूज़ का, जबकि मुझे यहाँ पे आए हुए भी सिर्फ एक महीना हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्या देखते हैं मुझ में, क्या भाई मैं जज हूँ या मैं इसका लॉयर हूँ, तो मैं ये चीज़ रिजॉल्व करवा सकता हूँ। मैंने ट्राई तो बहुत किया, फिर मैंने उसको इन दी एंड बोला कि भाई तू कर जा, और मैंने वो जो ट्रेनर था उसको भी बोला कि भाई इसको अब अगली बार इतना डांटना मत, जबकि मतलब गलती उसकी भी थी। ट्रेनर को भी थोड़ा उसको पेशेंटली बोलना चाहिए था, पर उसने मुझे इन दी एंड कहा कि मैंने उसको 2-3 बार ऑलरेडी बोला कि भाई इतना जोर से मत कर, थोड़ा ध्यान से कर, कि डोंट ड्रॉप द बार, ऊपर से ड्रॉप करेगा तो ऑब्वियसली काफ़ी ऊपर से ड्रॉप हो गया, डैमेज होगा इक्विपमेंट को, वही डेडलिफ्ट नहीं मार पाएगा इतने टाइम के लिए, ना कि कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा उस प्लेटफॉर्म पे एक हफ्ते के लिए। नहीं समझते थे क्या करे, ध्यान रखो। बाकी हमारा मैंने मारा 150, इसने नहीं मारा 150, उठाया नहीं, अटेम्प्ट किया 150, अरे सुनो उठाया नहीं, आवाज ही नहीं आया, सीखो कुछ उठाने का नहीं। बाकी ओवरऑल आज का वर्कआउट सॉलिड तो था, मगर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मैं बॉडी नहीं थका मगर मेंटली थक गया, क्योंकि इन दी एंड ऐसा होने लगा कि भाई अब घर पहुंचना है, क्योंकि सुबह से हम दोनों 5:30 के उठे हुए हैं। मैं सुबह 4 बजे उठ के इनको फ़ोन करता हूँ, 22-22 फ़ोन करता, झूठ इतना झूठ है, मैं मुझे 20 कॉल करने पड़ते हैं इसको उठाने के लिए, उल्टा उल्टा 20 फोन किए मैंने आज सुबह से, भाई उठ जा भाई उठ जा भाई तैयार हो जा भाई कॉफ़ी पी ले, देखो जो करना है कर, तैयार हो आजा लेने मेरे को, मैं खड़ा हूँ घर की बाहर, वो आता ही नहीं है। नहीं, बहुत झूठ है, आप सबको पता है कौन कितने फ़ोन करता है, कौन कितना डिसिप्लिन्ड है। प्रूफ है? हाँ सर, नहीं है प्रूफ है, ये देखो आउटगोइंग कॉल्स 27 आउटगोइंग कॉल्स, वो मैं कर रहा था, क्या आउटगोइंग मेरा फ़ोन है ये। अरे भाई मेरा फ़ोन है यार। बस कुछ नहीं, अब आप कुछ भी जिम में करो ध्यान से करो, इंजर मत होना, और जिम को रिस्पेक्ट करो, जिम रिस्पेक्ट करो, जो चीज़ आपकी बॉडी बनाने में हेल्प कर रही है उसको रिस्पेक्ट करो, और इधर उधर डंबल प्लेट बारबेल फेंको मत। और अगर डंबल यूज करो और अगर तो छूट रहा है, और अगर आपसे छूट रहा है देन बी रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक, कि भाई गलती से छूट गया मुझसे या मेरा हाथ स्लिप हो गया है, आर्ग्यू मत करो सामने, हमको भी पता है स्लिप हो गया तुम्हारी गलती है, मगर डोंट आर्ग्यू समवन इज इन्फॉर्मिंग यू नॉट टू ड्रॉप योर वेट्स। और अगर एक दूसरी बात, कोई भी जिम में जा रहे हो irrespective of the gym, please re-rack your weights. हाँ, please re-rack your weights. छोड़ के मत चले जाओ कि कोई और निकाल देगा मेरा वेट। Exactly. या डंबल फेंक दिए नीचे, लगा दो, it'll be better. हाँ, exactly. और बाकी तो बस कुछ नहीं, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, लाइक करोगे तो मत करना, वीडियो पोस्ट करना हो तो ही करना, और अगर ये कहीं पे आपको सड़क पे दिखे कहीं पे भी तो प्लीज दिल खोल के इसको मारो जितना हो सके, इसकी मैं सड़क पे दिख जाऊँ ना बिना चेन के तो भाग जाना। क्योंकि हम लोग इसको बांध के रखते हैं, ये बिना चेन के दिख जाए ना तो इसको 2-3 मारो पकड़ के, या तो मारो या तो दूर भाग जाओ, और कुछ मत करो, और आप लोग वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।